हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम कुलदीप सिंह। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट आवर फिफ्थ चैप्टर ऐप डेवलपमेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको हमारा चैप्टर ऐप डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया था। उसमें हमारा लास्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ मोबाइल एप्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कॉमन एप्स। आज हम कुछ कॉमन सी एप्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी एजुकेशनल ऐप, कॉमन एप्स से यहाँ मीन्स है जो कि हमारी रेगुलर लाइफ में यूजेस होने वाली एप्स हैं। तो फर्स्ट है हमारी एजुकेशनल एप्स। देर आर एप्स फॉर ऑल लेवल ऑफ लर्निंग एप्स नॉट ओनली हेल्प अस टू लर्न न्यू कॉन्सेप्ट बट ऑल्सो शो अस व्हाट इज बीइंग थॉट इन द क्लासरूम। अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल ऐप की, तो आज की जो टाइम है, आज की जो लाइफ है हमारी, उसमें आपको हर तरह की एजुकेशनल एप्स इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड, आपको इंटरनेट पर हर तरह की एप्लीकेशन आपको एजुकेशनल से रिलेटेड मिल जाएंगी, जो कि आपकी केवल न्यू पुराने कॉन्सेप्ट हिस्ट्री से, जो आपके पुराने ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेगी, न्यू कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर करेगी, और जो आपके माइंड में इन फ्यूचर होने वाला है उससे रिलेटेड भी बहुत सारी ऐप हैं, या ये कहें जो कि आपके क्लासरूम में चल रहा है उससे रिलेटेड भी आपके बहुत सारी एप्स होती हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एज ग्रुप कैन एक्सेस। एजुकेशनल ऐप को किसी भी एज के स्टूडेंट्स या किसी भी एज के पर्सन यूज या एक्सेस कर सकते हैं। इसमें ऐसी एज की कोई बाउंडेशन किसी भी तरह की नहीं है। एजुकेशनल ऐप आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट। एजुकेशनल एप्स आपके केवल स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, उनके पेरेंट्स, टीचर्स, सभी के लिए यूजफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कौन कौन सी एजुकेशनल ऐप हो सकती हैं आपकी, बायूज लर्निंग ऐप है जहां पर आपको ऑनलाइन स्टडी की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है, गूगल क्लासरूम, EDX, ETC, काफी सारी एप्स हैं जो कि आपकी एजुकेशनल रिलेटेड होती हैं। ठीक है, सेकंड अगर बात करता हूं मैं, सेकंड है सोशल मीडिया नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग की बहुत सारी साइड होती हैं,
और आज के लाइफ टाइम में आई थिंक एवरी पर्सन इज यूजिंग सोशल नेटवर्किंग. तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ऐप लेट अस पोस्ट इमेजेस, वीडियोस एंड अदर अपडेट्स टू आवर प्रोफाइल. अगर सोशल नेटवर्किंग की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग पर हम लोग, हम आप सभी इमेज शेयर कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और कुछ भी आप अपलोड अपनी प्रोफाइल के द्वारा वहां पर कर सकते हैं. वी कैन कनेक्ट विद एनीवन अक्रॉस द ग्लोबल इजीली आप वर्ल्ड में किसी से भी विद द हेल्प ऑफ सोशल नेटवर्किंग कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं. सोशल नेटवर्क, सोशल एप्स आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है, आप किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद द परमिशन ऑफ बोथ साइड. आप अगर किसी को, सपोज दैट आपने फेसबुक पर सोशल नेटवर्किंग ऐप की बात करती है तो हम मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग ऐप आपकी होती है व्हाट्सएप. विद ओवर 1.2 बिलियन एक्टिव यूजर्स, व्हाट्सएप पर 1.2 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं जिसको, जिसकी हेल्प से व्हाट्सएप इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप वर्ल्ड वाइड. अगर हम बात करते हैं तो व्हाट्सएप इज द मोस्ट पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, इंस्टेंट मैसेजिंग रियल टाइम मैसेजिंग एप्स है. ठीक है. ऑल्थो इनिशियली स्टार्टेड एज ए टेक्स्ट मैसेज ऐप, स्टार्टिंग में व्हाट्सएप ने क्या किया था, अपना टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप स्टार्ट की थी. देन व्हाट्सएप हैज रैपिडली ग्रो एंड न्यू नो नाउ ऑफर्स हाई क्वालिटी वॉइस एज वेल एज वीडियो कॉलिंग. आज के टाइम में अगर हम बात करते तो व्हाट्सएप ने अपना आपको इतना ग्रो किया है कि उस पे आप क्लियरली वॉइस और वीडियो कॉल दोनों कर सकते हैं. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो फेसबुक, एक्टिव यूजर की बात करते हैं तो एक्टिव यूजर फेसबुक पर नियरली 2 बिलियन एक्टिव यूजर्स फेसबुक पर होते हैं जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है. इट अलाउज ऑल द रजिस्टर्ड यूजर्स टू क्रिएट देयर प्रोफाइल पोस्ट कमेंट एक्सचेंज इंफॉर्मेशन शेयर लिंक फोटोग्राफ चैट प्ले गेम
आपकी जो फेसबुक है, अगर आप उस पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो फेसबुक पे आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसपे आप क्या क्या कर सकते हैं, पोस्ट कमेंट कर सकते हो, एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन शेयर लिंक कर सकते हो, फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हो, चैट कर सकते हो और आप फेसबुक के द्वारा गेम भी खेल सकते हैं। अगर हम मैं नेक्स्ट सोशल नेटवर्किंग साइट की बात करता हूँ तो ट्विटर, मैसेज सेंड विद दिस ऐप, वर इनिशियली रिस्ट्रिक्ट टू 280 करेक्टर। दिस वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट ऑन द अर्लियर वर्जन ऑफ मोबाइल the SMS was limited to 80 character। अगर हम ट्विटर की बात करते हैं, ट्विटर में हम मैक्सिमम 280 करेक्टर्स सेंड कर सकते हैं बिकॉज प्रीवियस या अर्लियर की अर्लियर मोबाइल्स का जो आपका मैसेज होता था, SMS होता था, उसमें मैक्सिमम आप 280 करेक्टर सेंड कर सकते थे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपको ट्विटर भी 280 करेक्टर सेंड कर सकता है। अदर्स अगर हम बात करते हैं अदर सोशल नेटवर्किंग एप्स की, तो इंस्टाग्राम ठीक है, एक होता है आपका लिंक्डइन, रेडिट, रेडिट इट्स इट इज ए नेटवर्क, इट इज ए सोशल न्यूज एग्रीगेशन ऐप। ये iOS यानी कि आईफोन द्वारा यूज होने वाली ऐप है जो कि न्यूज एग्रीगेशन ऐप में आती है। अदर अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, तो एंटरटेनमेंट एप्स, एंटरटेनमेंट एप्स वो होती हैं जिससे हमारा एंटरटेनमेंट होता है। सपोज दैट आपका हॉटस्टार, आप वहां से अपना मूवीज सॉन्ग्स लाइव मैचेस क्रिकेट्स मतलब लाइव गेम्स होते हैं, वहां से आप उनको एक्सेस करके अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। हॉटस्टार, गाना, हंगामा म्यूजिक, बुक माई शो ऐप, दैट्स आर एंटरटेनमेंट्स ऐप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बैंकिंग ऐप, बैंकिंग एंड फाइनेंस ऐप। अगर बैंकिंग एंड फाइनेंस ऐप की बात करते हैं हम, तो आप बैंकिंग ऐप्स के द्वारा अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। सपोज दैट गूगल पे आपको किसी का ऑनलाइन पेमेंट करना है, बिल पे करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऐप के द्वारा आप उनका पेमेंट कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी क्या है आपकी बैंकिंग ऐप है जिनसे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ई कॉमर्स,
ई कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो ई कॉमर्स इज ए सेलिंग एंड परचेजिंग थिंग्स ऐप। यहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। सपोज आपकी बात करता हूँ मैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ओएलएक्स, ये सब क्या है, आपकी ई कॉमर्स साइट्स हैं। ओके, हैव अ गुड डे।